अच्छा, तो हम फेलन टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। हमारा पिछला लेक्चर जो है ना, वो कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से स्टॉप हो गया था, तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम फेलन टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि जो है ना, फेलन मेनूवर्स के बारे में जो है ना, आपने पेशेंट को बताना है कि पेशेंट को असेस करना है फेलन मैन्यूवर्स के बारे में जो है ना। हम इस तरह करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक जो है ना टेनल साइन होता है, ठीक है, और एक जो है ना फेलन साइन होता है, ठीक है। ये कार्पल टनल सिंड्रोम में होता है। अच्छा, आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि हैव द पेशेंट पुट द बैक ऑफ हिज हैंड टुगेदर एंड फ्लेक्स हिज रेस्ट डाउनवर्ड एट अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। आपने पेशेंट को जिस तरह की ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ठीक है, इस तरह के ये जो पोर्शन है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है, ठीक है, इन दोनों को आप टच करें। इन दोनों को अगर आप टच करेंगे तो इस तरह के जो ये पूरा जो बैक ऑफ द हैंड है, इसको आप टच करें, ठीक है। तो इसको अगर आप टच करेंगे तो ये जो रेस्ट है ये मुड़ जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जब 90 डिग्री में मुड़ जाते हैं, तो पेन और नमनेस इन हिज हैंड्स और फिंगर ड्यूरिंग दिस मैन्यूवर इंडिकेट अ पॉजिटिव फेलन साइन, द मोर सीवियर द कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। अगर जो है ना पेन भी होता है पेशेंट को, नमनेस भी होता है, ठीक है, कहाँ पे, हैंड में और फिंगर्स में, ठीक है, हैंड में और अगर फिंगर में, स्मॉल फिंगर में, ठीक है। यूजली इसी साइन से जो है ना स्मॉल फिंगर में, और स्मॉल फिंगर के साथ साथ जो दूसरी फिंगर है, ठीक है, जो इसके साथ है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो फिंगर है और ये वाली जो फिंगर है, इसके इसमें नमनेस होगी और पेन होगा, ठीक है। 1 मिनट तक जो है ना, इसको हम पेशेंट को इस तरह के पोजीशन में 1 मिनट तक जो है ना पेशेंट को ये इस तरह की पोजीशन बना के रखते हैं, ठीक है। अगर इससे पेन होता है पेशेंट को और नमनेस होती है, तो आप समझ ले कि पेशेंट को जो है ना कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है। और अगर कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो हम कहते हैं कि पेशेंट का जो है ना फेलन टेस्ट और जो टनल साइंस जो है ना, टनल टेस्ट और फेलन टेस्ट, या फेलन साइन और टनल साइन जो है ना पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, हिप्स एंड नीज, इंस्पेक्ट हिप एरिया फॉर कंटूर एंड सिमेट्री, ठीक है। दोनों हिप्स को, ठीक है, जो दोनों हिप है, ठीक है, लेफ्ट हिप और राइट हिप को, ठीक है, आप कंटोर के लिए और सिमेट्री के लिए जो है ना आप असेस करते हैं कि पेशेंट का जो है ना कंटोर कैसा है और सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, एक हिप जो है ना छोटा या एक हिप बड़ा तो नहीं है, ठीक है, या इसमें जो है ना कोई इस तरह का मसला तो नहीं है। इंस्पेक्ट द पोजिशन ऑफ द नीज, ठीक है, और दोनों जो नीज है, नीज का जो पोजिशन है वो आप इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। पलपेट बोथ नीज, दोनों नीजों को जो है, दोनों घुटनों को जो है ना आप पलपेट करते हैं। दे शुड फील स्मूथ एंड टिश्यू शुड फील सॉलिड, ठीक है। ये जो है ना जो स्मूथ फील होगा, ठीक है, ये जब हम एसेस करते हैं, पलपेट करते हैं, तो दोनों जो है ना स्मूथ हो गए टिशे, ठीक है, और जो टिश्यू है, ठीक है, जो नीज का जो टिश्यू है और जो हिप का जो टिश्यू है वो सॉलिड होगा, मतलब सख्त होगा। SSROM एंड द हिप, ठीक है, हिप का रेंज ऑफ मोशन जो है ना हम चेक करते हैं, ठीक है, और जो है ना दीज एक्सरसाइजेज आर टिपिकली डन विद द पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन। हिप का और नी का जो असेसमेंट है, इसमें हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में बिठा देते हैं, लिटा देते हैं, और फिर जो है ना हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। इफ द पेशेंट हैज अंडरगॉन अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट, डू नॉट परफॉर्म दिस मेन्यूवर विदाउट सर्जन्स परमिशन, ठीक है। अगर पेशेंट का पहले जो मैंने बताया था कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसको जो है ना THR भी कहते हैं, कि अगर जो है ना पेशेंट का THR हुआ हुआ है, तो ये जो मेन्यूवर्स है ये हम नहीं करेंगे फिर, ठीक है। पेशेंट का अगर THR हुआ हुआ है, तो जो टोटल हिप, जो हिप का जो फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन है, और जो नी का जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, ये हम नहीं करेंगे अगर TKR हुआ हुआ है, ठीक है। जो नी का जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है, इसको हम TKR कहते हैं, ठीक है, और जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, इसको हम THR कहते हैं, ठीक है। तो अगर THR हुआ हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ हुआ है, तो ये जो हिप का जो ROM है वो हम फिर नहीं करेंगे।
ठीक है। और या जो है ना सर्जन की परमिशन पे, अगर कोई सर्जन आपको एडवाइस करते हैं कि इस पेशेंट का मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट आप करें, तो जो है ना ये फिर हम नहीं करेंगे। अगर करें तो ये मेनूवर्स कर लें, और ये मेनूवर्स ना करें तो सर्जन के एडवाइस को आप जो है ना अंडर कंसिड्रेशन रखेंगे, और फिर इस तरह के आप एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। और अगर जो है ना टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ हुआ है, तो जो नी को आप 90 एंगल से ज़्यादा फ्लेक्स नहीं कर सकते हैं, हिप को जो है ना आप ज़्यादा 90 एंगल से ज़्यादा फ्लेक्स नहीं कर सकते, और जो है ना हाइपर एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं। फिर अगर टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, तो आप पेशेंट का एबडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो एडक्शन है, एबडक्शन और एडक्शन दोनों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोटल हिप रिप्लेसमेंट वाला जो पेशेंट होता है, उसका जो मेड लाइन होता है, ठीक है, मेड लाइन से ना लेटरल और ना मेडियली पेशेंट अपने लेग को मूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वजह से फिर जो हिप जॉइंट है वो डिसलोकेट हो सकता है, ठीक है। असेस रेंज ऑफ मोशन इन द नी, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन नी को तो हम असेस करेंगे, लेकिन जो अगर किसी पेशेंट का टी के आर हुआ हुआ है, तो फिर जो है ना हम आर ओ एम नहीं कराएंगे पेशेंट का, ठीक है। असेसिंग हिप रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्शन, हैव पेशेंट लाई ऑन हिज बैक, ठीक है। पेशेंट को जो है ना सुपाइन पोजीशन पे आप लेटाए, हैव हिम बेंड वन नी एंड वन पुल इट टुवर्ड हिज एब्डोमिन एंड चेस्ट एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। आप जो है ना पेशेंट का जो है ना नी को बेंड करें, ठीक है, एंड पुल इट टुवर्ड हिज एब्डोमिन, ठीक है। जिस तरह के ये जो है ना यहाँ पे दिखाया जा रहा है, नी को बेंड करें और जो है ना फिर ये लेग को जो है ना पेशेंट के एब्डोमेन के तरफ लेके आए, ठीक है। जब आप एब्डोमेन का, और दूसरी जो टांग है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, द अपोजिट हिप एंड थाई शुड रिमेन फ्लैट, ये फ्लैट होनी चाहिए। रिपीट द टेस्ट ऑन द अपोजिट साइड, ये इसकी जो है ना फिर हम नी को फ्लेक्स करके इसको जो है ना इसके एब्डोमेन तक लेके आते हैं, ठीक है। और जो अपोजिट्स जो लेग होती है, ठीक है, जिसका हम अभी असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम राइट लेग का असेसमेंट कर रहे हैं, और जो है ना इसको यहाँ पे जो है ना नी को बेंड किया हमने राइट लेग का, और जो नी है ये एब्डोमेन तक लेके आए हैं, ठीक है। तो जो लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल फ्लैट रहेगी, सीधी रहेगी, ठीक है। फिर हम जो है ना ये लेफ्ट लेग का भी असेसमेंट करेंगे सेम, ठीक है, और जो राइट लेग है ये फ्लैट रहेगी। एक्सटेंशन, हैव द पेशेंट लाई ऑन प्रोन पोजीशन, ठीक है, फेस डाउन पोजीशन पे, ठीक है, जिस तरह की ये पिक्चर दिखाया जा रहा है, ठीक है, जो है ना प्रोन पोजीशन पे आप पेशेंट को लेटाए, जिंटली एक्सटेंड थाई अपवर्ड, ठीक है। और जो है ना बिल्कुल अगर पेशेंट जो है ना प्रोन पोजीशन पे लेट जाता है, तो ये पोजीशन होगी, ठीक है, जो है ना लेग्स बिल्कुल सीधे होंगे, तो आपने क्या करना है, जेंटली एक्सटेंड थाई अपवर्ड, ठीक है। ये जो थाई है, ठीक है, पेशेंट का जो लेग है, ठीक है, ये आप अपवर्ड के तरफ जो है ना आप उसको उठाएं, एक्सटेंड करें। रिपीट द टेस्ट ऑन द अदर थाई, और दूसरे थाई पे भी आप ये तरीका जो है ना इसको रिपीट करें। अच्छा, अभी यहाँ पे जो स्लाइड में नहीं है, मैं आपको एक टिपिकल बात बताता हूँ। जिन लोगों को शियाटिक कंप्रेशन होती है, ठीक है, जिन लोगों को अरकुन्निसा होता है, अरकुन्निसा की वजह से जो है ना मसला यहाँ पे वेस्ट लेवल पे होता है, ठीक है, वेस्ट पे जो है ना यहाँ से शियाटिक नर्व आती है, ठीक है, और ये जो है ना पूरी पाव को सप्लाई करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो है ना इसमें ऐसा होता है कि जो पेन होता है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है यहाँ से वेस्ट लेवल से, ठीक है, वेस्ट लेवल से पेन स्टार्ट होती है और फिर आता है नीचे लेग तक, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम रहता है उतना ज़्यादा जो है ना फिर पेन नीचे आ जाता है। जब पहले स्टार्ट हो जाता है तो पेन जो है ना यहाँ से पेन शुरू होता है यहाँ तक आता है, ठीक है, फिर जो है ना थोड़ा नीचे आता है, फिर जो है ना अनटिल एंड अनलेस जो कि यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है, जिनको जो ज़्यादा अरसा गुजरता है तो यहाँ तक जो है ना पेन आ जाता है। अच्छा, अगर हम कार्पल सॉरी अरकुन्निसा के लिए हम पेशेंट को एसेस कर रहे हैं, शियाटिक जिनको शियाटिका होती है, शियाटिका के लिए अगर हम पेशेंट को एसेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लिटा देते हैं,
ठीक है, और पेशेंट का स्ट्रेट लेग राइजिंग करते हैं। ठीक है, जिस तरह की अगर हम हिप की फ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका नी बेंड करें, ठीक है, और हिप को जो ताई है उसको फ्लेक्स करें, तो जो हिप का जो फ्लेक्शन है वो उसका पता चलेगा। ठीक है, हिप जो है ना, हिप जॉइंट फ्लेक्स होगी। अच्छा, तो अगर हम शियाटिक कंप्रेशन के असेसमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि जो है ना, ये जो नी के जो बेंड करते हैं हम, फिर जो है ना, हम नी बेंड नहीं करेंगे, ठीक है, और इसको जो है ना फिर SLR कहते हैं। ठीक है, SLR, ठीक है, SLR, ठीक है, जिसको कहते हैं हम स्ट्रेट लेग राइजिंग। ठीक है, स्ट्रेट लेग राइजिंग SLR कहते हैं। ठीक है, इसको तो SLR जो नॉर्मली है 90 डिग्री तक, जो SLR है ये नॉर्मल है। ठीक है, कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री जो SLR है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो हम पेशेंट को जो है ना बिल्कुल दोनों लेग्स को जो है ना फ्लैट करें, ठीक है, दोनों नीज को और हिप को जो है ना हम एक्सटेंड करें, ठीक है, बिल्कुल सीधा पेशेंट को लेटा देते हैं। फिर जो है ना हम एक टांग को पकड़ते हैं, ठीक है, एक हाथ से यहाँ पे पकड़ते हैं, ठीक है, उसका एंकल के पास, और एक हाथ से जो है ना हम यहाँ थाई के पास जो है ना पकड़ते हैं, और पेशेंट का जो है ना टांग, पेशेंट की टांग को उठाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट जो है ना हम टांग को उठाते हैं विदाउट फ्लेक्शन ऑफ द नी, नी को फ्लेक्स किए बगैर हम टांग को उठाते हैं, तो अगर 90 एंगल तक जो है ना विदाउट पेन। अच्छा, और जब हम ये टांग को इस तरह के उठाते हैं तो हमारा नज़र जो है ना पेशेंट के चेहरे पे होता है। ठीक है, तो जब अगर हम नीचे से जो है ना इसको उठाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, इस तरह के आगे लेके जाते हैं, ठीक है, तो जब अगर जिन लोगों को शियाटिक कंप्रेशन होती है, ठीक है, जिन लोगों को और को नशा होते हैं, वो अगर आप जो है ना 30 एंगल पे लेके आए, या जो है ना 40 एंगल पे लेके आए, 35 एंगल पे लेके आए, ठीक है, या 45 पे लेके आए, 50 पे लेके आए, ठीक है, या जो है ना 70, इस तरह के, तो यहाँ से जो है ना फिर 20 से, या जो है ना 35 एंगल से जो है ना अगर हम आगे लेके जाएंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, खींच पड़ जाएगी। ठीक है, ये जो बैक साइड जो है ना पेशेंट का लेग का जो बैक साइड है इसमें खिंच पड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर इस तरह का है तो अगर खिंच पड़ती है, पेन होता है 90 एंगल पे, या 45 एंगल पे, 50 एंगल पे, 70 एंगल पे, तो हम कहते हैं कि इसका SLR जो है 70 है, 30 है, 35 है, 25 है। ठीक है, तो 25 तक अगर SLR है तो मतलब ये कि पेशेंट को अर्क उन्नीसा है, या अगर जो है ना 45 तक SLR है तो अर्क उन्नीसा है, अन्य से अनटिल अगर 90 तक जो है ना हम लेके जाते हैं विदाउट पेन, विदाउट जो है ना किच पड़ जाना, ठीक है, पेशेंट को, तो फिर हम कहते हैं कि इसको ऐसे शियाटिक कंप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये एक अलग मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ था अर्क उन्नीसा को एसेस करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन पे। ठीक है, हिप की इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन पे हम आते हैं। ठीक है, तो आस्क द पेशेंट टू बेंड हैज नी एंड टर्न हैज लेग इनवर्ड। ठीक है, हम जो है ना पेशेंट को कहेंगे कि अपनी बी जो है ना नी को बेंड करें, ठीक है, और लेग को जो है ना टर्न करें इनवर्ड। ठीक है, जिस तरह के ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये जो है ना हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी नी को फ्लेक्स करें, और नी को जो है ना आप मेडियल के तरफ जो है ना इस तरह के तरफ जो है ना हरकत दे रहे। ठीक है, अगर हम राइट लेग को असिस्ट करना चाहें तो जो है ना उसका लेग को फ्लेक्स करेंगे, नी को फ्लेक्स करेंगे, और उसको कहेंगे कि आपका नी जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है ना आप, और अगर हम राइट की असेसमेंट कर रहे हैं राइट लेग के, तो हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी नी को लेफ्ट साइड पे जो है ना ले जाएं, ठीक है, रोटेट करें। ठीक है, और उसका ये जो पोर्शन है ये लेटरली अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करेगा। ठीक है, तो ये होगी इंटरनल रोटेशन। ठीक है, ये इंटरनल रोटेशन होगी, और अगर हम राइट लेग की बात कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, और जो है ना उसका नी जो है वो फिर राइट साइड पे मूव करेगा इस साइड पे। ठीक है, और ये जो पाव है इसका ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, तो अगर ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो, और जो नी है ये राइट साइड पे मूव करेगा, तो ये होगी एक्सटर्नल रोटेशन।
ठीक है, अगर नी मेडियल साइड पे अपनी बॉडी के तरफ जो है ना मूव करती है, और जो पाव है ये अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करती है, तो ये होगी इंटरनल रोटेशन। और अगर नी जो है, हम राइट लेग के बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर नी जो है ये बॉडी से बाहर मूव करेगी, और जो पाव है ये बॉडी की तरफ मूव करेगी, तो ये होगी फिर एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, अच्छा, देन आस्क हेम टू टर्न हेज लेग आउटवर्ड। ठीक है, पहले अगर हम इंटरनल रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो जो है ना लेग को इनवर्ड ही मूव करें, ठीक है, और अगर हम एक्सटर्नल रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो लेग को आउटवर्ड की तरफ मूव करें। ठीक है, तो इससे हमें इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन का पता चलेगा। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन फॉर इंटरनल रोटेशन इज 40 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल जो रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, इंटरनल रोटेशन का 40 डिग्री है, एक्सटर्नल रोटेशन का 45 डिग्री है। ठीक है, नॉर्मली कितना है, इंटरनल रोटेशन का 40 डिग्री है, ठीक है, और जो क्या कहते हैं, जो एक्सटर्नल रोटेशन का 45 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ जो है ना जहन में रखिए, ये एमसीक्यू से रिलेटेड लाजमी है। ठीक है, अच्छा, एबडक्शन एंड एडक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम। एलॉन्ग साइड द पेशेंट एंड प्रेस डाउन ऑन द सुपीरियर इलिक्स स्पाइन ऑफ द अपोजिट हिप विद वन हैंड टू स्टेबलाइज द पेल्विस। ठीक है, स्टैंड एलॉन्ग साइड द पेशेंट एंड प्रेस डाउन ऑन द सुपीरियर इलिक स्पाइन ऑफ द अपोजिट हिप विद वन हैंड टू स्टेबलाइज द पेल्विक। आप पेशेंट के जो है ना बिल्कुल साथ खड़े होते हैं, ठीक है, और जो है ना अगर फॉर एग्जांपल आप पेशेंट की राइट साइड पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड जो है वो पेशेंट की लेफ्ट सुपीरियर जो एलियक स्पाइन है उसको जो है ना पकड़ेगा, ठीक है, ताकि पेशेंट को स्टेबलाइज करें। और अगर आप राइट साइड पे खड़े होते हैं, तो आप लेफ्ट साइड के पेशेंट को पकड़ लें ताकि वो गिरे ना, पेशेंट को स्टेबलाइज करें, और पेशेंट को बताएं कि वो अपने लेफ्ट लेग को बॉडी से दूर लेके जाएं। ठीक है, बॉडी से दूर लेके जाए। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है ना इस तरह का सीधी खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, आपको जो है ना पेशेंट सामना कर रहे हैं, ठीक है, तो पेशेंट का जो लेफ्ट लेग है ये वाला, ठीक है, पेशेंट जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह का खड़ा होगा ना, ठीक है, तो पेशेंट अगर अपने लेग को इस तरीके इस तरह बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी जो है ना अगर वो मूव करेगा अपने लेग को, तो मतलब ये है कि ये पेशेंट एब्डक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट को जो लेग का एबडक्शन ऐसे होगा कि पेशेंट जो है ना खड़े होके अपने जो लेफ्ट लेग है उसको बॉडी से अवे मूव करेगी। ठीक है, तो ये होगी एबडक्शन। अभी अगर दोबारा जो है ना वो अपनी बॉडी की तरफ लेके आती है, ठीक है, इधर लेके आती है दोबारा, तो ये होगी एडक्शन। ठीक है, एबडक्शन है अवे फ्रॉम द बॉडी और एडक्शन है टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, अच्छा, विद योर अदर हैंड होल्ड द पेशेंट्स लेग बाय द एंकल एंड जेंटली एबडक्ट द हिप अंटिल यू फील इलियक स्पाइन मूव्स। ठीक है, अच्छा, आप ऐसा करेंगे कि जो है ना एक हाथ के साथ जो है ना पेशेंट का लेग पकड़ेंगे, ठीक है, एंकल के पास से, ठीक है, पेशेंट का ये जो एंकल है, ठीक है, यहाँ पे आप पेशेंट के लेग को पकड़ेंगे, ठीक है, और बॉडी से एंजेंटली एबडक्ट द हिप, ठीक है, और हिप की एबडक्शन करेंगे अंटिल यू फील द इलियक स्पाइन मूव। ठीक है, और तब तक जो है ना आप इसको एबडक्ट करेंगे, तब तक जो है ना आप इतना दूर लेके जाएंगे जब तक आपको पता चलेगा कि जो स्पाइन है इलियक स्पाइन भी मूव करता है। दैट मोमेंट इंडिकेट द लिमिट ऑफ हिप एबडक्शन। ठीक है, अगर जो है ना जब आप जो है ना इसको यहाँ से पकड़ के जो है ना आप एबडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और जो है ना इलियक स्पाइन मूव करे, ठीक है, तो समझ लो कि अब यहाँ से आगे जो है ना इतना ही लिमिट है हिप की एबडक्शन की। ठीक है, वाइल स्टिल स्टेबलाइजिंग द पेल्विस मूव द एंकल इमीडियटली अक्रॉस द पेशेंट्स बॉडी टू असेस एडक्शन। ठीक है, एडक्शन को आप कैसे असेस करेंगे, वाइल स्टिल स्टेबलाइजिंग द पेल्विस, जब आप पेल्विस को वापस जो है ना स्टेबलाइज कर रहे, मूव द एंकल मेडियली, ठीक है, अक्रॉस द पेशेंट्स बॉडी, ठीक है, पेशेंट्स के बॉडी से
अक्रॉस मेडियली जो है ना आप इसको अगर मूव करेंगे, देखो अगर जो है ना पेशेंट जो है ना बिल्कुल आपके करीब जो है ना बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, ये खड़ा है पेशेंट, ठीक है, ये तो इसका लेग अगर जो है ना पेशेंट सीधा खड़ा होगा तो ये लेग यहाँ तक इस तरह के आएगा ना, ठीक है, जब ये लेग यहाँ तक आएगा और आप इस लेग को पकड़ के जो है ना इसी तरफ मूव करें, ठीक है, ये यहाँ तक जो है ना अगर आप मूव करेंगे ये इसको जो है इसी लेग को जो है ना आप ऐसे हरकत देंगे, ठीक है, मीडियली टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है, तो ये होगा एडक्शन, ठीक है। अच्छा, रिपीट ऑन द अदर साइड, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन इज अबाउट 45 डिग्री फॉर एबडक्शन एंड 30 डिग्री फॉर एडक्शन, ठीक है, जो ये जो एग्जामिनेशन है ये जो एबडक्शन और एडक्शन है, ठीक है, आप दूसरे साइड पे भी जो है ना आप एसेस करेंगे, ठीक है, दूसरे साइड को भी आप एबडक्शन और एडक्शन करेंगे दूसरे साइड की भी, और दोनों का जो है ना आप इस तरह के एग्जामिनेशन करेंगे, और एबडक्शन के लिए ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री तक जो है ना वो एंक अपने लेग को लेके जाएगा, ठीक है, नॉर्मली, और 30 डिग्री तक जो है ना एबडक्शन होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखें कि एबडक्शन ऑफ द हिप इज 45 डिग्री नॉर्मली, ठीक है, एंड एडक्शन ऑफ द हिप नॉर्मली इज 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एसेस इन नी रेंज ऑफ मोशन, अच्छा आप री नी का रेंज ऑफ मोशन कैसे चेक करेंगे, इफ द पेशेंट इज स्टैंडिंग आस्क हिम टू बेंड हिज नी एज इफ ट्राइंग टू टच हिज हील टू हिज बटक्स, ठीक है, एज शोन नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन फॉर फ्लेक्शन इज 120 टू 130 डिग्री, पेशेंट जो है ना बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, ठीक है, जब पेशेंट सीधा खड़ा होता है तो कैसे होगा कि जो है ना पेशेंट का ये जो हील है ये उसको उठा के जो है ना अपने हिप्स के साथ जो है ना टच करे, अपने बटक को टच करने की कोशिश करे, ठीक है, तो इससे क्या होगी, इससे अगर पेशेंट अपनी जो है ना हील को उठाता है, नी को फ्लेक्स करता है और अपने बटक्स को टच करने की कोशिश करता है तो इससे होगी फ्लेक्शन ऑफ द नी, ठीक है, और ये 120 टू 130 डिग्री नॉर्मल है, ठीक है, नी का जो नॉर्मल फ्लेक्शन है वो है 120 टू 130 डिग्री, ठीक है, तो पेशेंट को हम सीधा खड़ा करेंगे, ठीक है, और पेशेंट को सीधा खड़ा करके फिर जो है ना उसका नी को फ्लेक्स करेंगे और जो है ना ऐसे फील होगा जिस तरह के वो अपनी हील से अपने बटक को टच करना चाहते हैं, ठीक है। इफ द पेशेंट इज लाइंग डाउन, अगर जो है ना पेशेंट लेटा हुआ हैव हिम ड्रा हिज नी अप टू हिज चेस्ट, हिज काफ शुड टच हिज थाई, ठीक है, और जो है ना अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो आप पेशेंट को बताएंगे कि जो है ना आप अपनी नी को जो है ना ऊपर लेके आए चेस्ट के तरफ, ठीक है, नी जो है ना ऊपर आएगा चेस्ट के तरफ, ठीक है, तो और जो है ना उसका काफ जो है, ठीक है, काफ मसल ये है, ठीक है, ये जो काफ मसल है ये पेशेंट के ताई के साथ जो है ना टच होगा, ठीक है, और ये जो है ना ये ताई है, ठीक है, तो ये जो यहाँ इसके साथ टच करेगा, ठीक है, पेशेंट अगर लेटा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि जो है ना इसको पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी नी को ऊपर लेके आए चेस्ट के तरफ, ठीक है, और अपने जो काफ मसल्स हैं, ठीक है, आपकी काफ जो है आपके टाई के साथ जो है ना टच करेगा, ठीक है, इफ द पेशेंट कैन नॉट एक्सटेंड हिज लेग फुली और इफ हिज नी पॉप्स ऑडिबली एंड पेनफुली कंसिडर द रिस्पॉन्स एबनॉर्मल, ठीक है, अगर जो है ना फिर पेशेंट को जो है ना आपने पेशेंट के नी को फ्लेक्स किया, ठीक है, लेकिन अगर अभी पेशेंट जो है अपनी नी को अपनी जो टांग है उसको फुली एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक है, या जो है ना वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में आपको जो है ना एक क्रेपेटस सुनाई देते हैं, ठीक है, क्रेपेटस मैंने आपको कहा था कि एक आवाज़ होती है जो कि अक्सर हम जब नमाज पढ़ते हैं या ज़मीन पे उठते बैठते हैं तो हमारी नी से एक टक टक की आवाज़ आती है, ठीक है, वो इसी टक के आवाज़ को जो है ना क्रेपेटस कहते हैं, और ये क्रेपेटस जो है ये हवा का एक बुलबुला जो है ना पड़ जाता है जॉइंट के अंदर, ठीक है, इसको क्रेपेटस कहते हैं, और हवा के एक बुलबुला जब जॉइंट के अंदर पड़ जाता है
तो इसे टक की आवाज आती है जिसको हम क्रेपेटस कहते हैं, ठीक है। या जो है ना क्रेपेटस होता है, ठीक है, या जो है ना बहुत पेनफुल होता है, ठीक है, या जो है ना जब अक्सर जिन लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है या जिन लोगों को ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, और उन लोगों का जो जॉइंट का, आपको पता है कि जॉइंट के जो नॉर्मल एनाटॉमी है कि जॉइंट के इर्द गिर्द एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूड कहते हैं, ठीक है। ये फ्लूड क्या काम करती है कि जब नी जॉइंट, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट है, जब और नी जॉइंट के जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब ये कि जो बोन है, ठीक है, जो हमारे बोन्स हैं, इस बोन्स के एंड पे, ठीक है, जहाँ से जो है ना टेबिया बोन और जो है ना ताई बोन, जो है ना जिसको हम फीमर कहते हैं, जहाँ पे टेबिया और फीमर एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, इसी जो दोनों एक जॉइंट बनाते हैं जिसको नी कहते हैं, इसी नी जॉइंट कहते हैं, इसी नी जॉइंट के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसको जो है ना जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है इन दोनों की जो फ्रिक्शन है, ठीक है, जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हमारा नी मूव करता है, हरकत करता है, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करती है, तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये इसी हरकत को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि जब हम गाड़ी में या किसी ऐसी चीज़ में कोई तेल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं, ठीक है, और वो इससे नरम हो जाती है, इजीली जो है ना हरकत हो जाता है, तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, जो कार्टिलेज जो फीमर बोन के एंड पे होता है और जो कार्टिलेज टिबिया बोन के ऊपर होता है, ठीक है, और वो जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, तो इस कार्टिलेज को, इसी मोमेंट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड होती है बॉडी में, ठीक है, नी के जॉइंट में। और जब जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो जो है ना वो पर जो ये साइनोवियल फ्लूइड है ये ख़त्म हो जाती है, तो जब साइनोवियल फ्लूइड बॉडी में नी जॉइंट में ख़त्म हो जाती है तो फिर जो है ना फ्रैक्शन हो जाता है। ये जो एक जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है फीमर बोन का और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है टीबिया का, ये एक दूसरे के साथ जो है ना फ्रैक्शन होता है, ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन होता है, तो ये जो कार्टिलेज है फीमर का और टीबिया का ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये घिस जाता है, जब ये रगड़ खाता है तो ये ख़त्म हो जाता है, तो जब ये ख़त्म हो जाता है तो जो है ना फिर एक्सरे में हम देखते हैं कि एक्सरे में हम कहते हैं कि इन दोनों में स्पेसिंग हुई हुई है, ठीक है, मतलब ये कि स्पेस बहुत ज़्यादा कम हुआ है क्योंकि कार्टिलेज जो है ना हमें एक्सरे में नज़र नहीं आता, ठीक है, तो जब इन दोनों का बोन टू बोन कनेक्शन होता है, ठीक है, जब बोन दूसरी, जब फीमर बोन टिबिया बोन के साथ अटैच करता है, ठीक है, तो फिर जब हम नी को हरकत दें, ठीक है, या जो है ना थोड़ा सा कार्टिलेज जो है ना वो डिस्ट्रॉय हुआ है, या जब साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता है और हम जो है ना फिर नी को हरकत देते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं, तो नी से एक क्रैक किस्म की जो है ना आवाज़ आती है, ठीक है, और फिर जो है ना इसके आगे एडवांस स्टेजेस में फिर हम टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, ठीक है, और फिर इसी आवाज़ को जो है ना ये हम नोट करते हैं कि पेशेंट की नी में मसला है और ये एबनॉर्मल है। प्रोनाउंस क्रेपेटस में सिग्नल डीजनरेटिव डिजीज ऑफ द नी, ठीक है, जिस तरह की डीजनरेटिव डिजीज ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करती हैं। सडन कोलैप्स में इंडिकेट अ लिगामेंट इंजरी, ठीक है, अक्सर जो है ना जो लोग जो फुटबॉल खेलते हैं या जो बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं उसमें एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसको ACL की इंजरी कहते हैं, ठीक है, ACL की जब इंजरी हो जाती है तो आपको पता है कि एंटीरियर क्रूशेट जो है ना बॉडी में नी जॉइंट में जो है ना
एक ऐसे दो जो है ना जो है क्या कहते हैं लिगामेंट आई है, ठीक है, जिसको जो है ना ये फीमर बोन है, ठीक है, और ये जो है ना ये टेबिया का बोन है, ठीक है। तो इसको एक को हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, और ये जो बैक साइड पे आती है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो जो एंटीरियर है, ठीक है, जिसको हम एसीएल कहते हैं, ठीक है, एसीएल की इंजरी होती है, ठीक है, और एसीएल की इंजरी जब हो जाती है तो फिर नी जो नी जॉइंट है इसका सडन कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। जब ये सडन कोलैप्स होता है तो हमें पता चलता है कि अभी पेशेंट का जो है ना एसीएल टियर हुआ हुआ है, एसीएल की इंजरी हुई है, ठीक है। तो इसमें फिर हम सर्जरी करते हैं और एसीएल रिपेयर जो है ना एक सर्जरी है जिसमें हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ये जब एसीएल की इंजरी हो जाती है तो ये हमें जो है ना एक्सरे में नहीं देखता है, इसके लिए हम एमआर स्कैन करते हैं, ठीक है। और बाकी जो डिजेनरेटिव डिजीजेस की वजह से जो क्रेपेटस है और जो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है ये हमें एक्सरे में दिख जाता है, ठीक है। अच्छा, असेसिंग फॉर बल्ज साइन, द बल्ज साइन इंडिकेट एक्सेस फ्लूइड इन द जॉइंट, ठीक है। टू असेस द पेशेंट फॉर दिस साइन आस्क हिम टू लाई डाउन सो दैट यू कैन पल्पेट हिज नी, देन गिव द मीडियल साइड ऑफ हिज नी 2 to 4 फोन स्ट्रोक्स एज शोन टू डिस्प्लेस एक्सेस फ्लूइड, ठीक है। बल्ज साइन के लिए हम पेशेंट को जो है ना असेस करते हैं, द बल्ज साइन इंडिकेट एक्सेस फ्लूइड इन द जॉइंट, ठीक है। जब जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है तो जो है ना हम फिर बल्ज साइन के लिए असेस करते हैं, ठीक है। बल्ज जब बल्ज होता है तो हम समझते हैं कि पेशेंट की नी में फ्लूइड जमा हुआ हुआ है, ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है। टू असिस्ट द पेशेंट फॉर दिस साइन, ठीक है, हम अगर इसी साइन के लिए पेशेंट को असिस्ट करेंगे तो आस्क हिम टू लाई डाउन सो दैट यू कैन पल्पेट हिज नी। तो पेशेंट को आप बताएंगे कि आप जो है ना सीधे लेट जाएं सुपाइन पोजीशन पे, ठीक है, ताकि जो है ना मैं आपकी नी को पल्पेट कर सकूं। देन गिव द मीडियल साइड ऑफ हिज नी 2 to 4 फॉर्म स्ट्रोक्स, ठीक है, एज शोन, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह की आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, पेशेंट को कहेंगे कि आप जो है ना सीधा खड़े हो जाएं, उसकी नी सॉरी लेट जाएं, उसकी नी को आप एक्सपोज करें, ठीक है, और ये जो साइड है, ठीक है, जो पेशेंट का ये साइड है, ठीक है, ये मेडियल साइड है, ठीक है, और ये जो साइड है ये लेटरल साइड है, ठीक है। अब इसी लेग का जो ये वाला जो साइड है जो यहाँ पे जो हमें नजर नहीं आता ये पेशेंट का मीडियल साइड है और ये जो है ये लेटरल साइड है। अब इसी तरह जो राइट लेग है पेशेंट का ये जो है ये मीडियल साइड है, ठीक है, और ये जो इसके बैक साइड जो है जिस तरह के इसी लेग का ये साइड है ये लेटरल साइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मिडल साइड पे उसको थोड़ा सा जो है ना उसको टैप करेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से इसको इस तरह के मारेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे स्ट्रोक्स देंगे, यहाँ पे हम टैप करेंगे मारेंगे, तो अगर नी में फ्लूड है, ठीक है, तो ये जो फ्लूड है ये में स्प्लैश होके यहाँ तक आएगा और इसमें एक वेव चली जाएगी, ठीक है, जिस तरह का पानी का वेव होता है इस तरह का एक वेव चली जाएगी इसी तरफ, ठीक है। तो इसको जो है ना हम बल्ज साइन कहते हैं, कि मतलब ये है कि उसका जो बल्ज साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेटरल चेक, नेक्स्ट स्टेप द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी वाइल चेकिंग फॉर अ फ्लूइड वेव ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये जो मीडियल एस्पेक्ट है, ठीक है, जो अच्छा जिस तरह के हम मीडियल एस्पेक्ट को स्ट्रोक से दें, इस तरह के जो लेटरल एस्पेक्ट है इसको जो है ना फिर हम स्ट्रोक्स देंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से इसको इस तरह के टैप करेंगे। जब हम टैप करेंगे तो फ्लूड जो है वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो फ्लूड का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जब एक्सिस फ्लूड होगा तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, इसमें एक वेव चली जाएगी और इसी वेव को जो है ना फिर हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बल्ज साइन, ठीक है। अच्छा,
आज इतना तक जो है ना हम कर रहे हैं, यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को, और आगे से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो भी अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आता, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट का, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम जो है ना फिफ्थ लेक्चर में उसको मैं वाइंड अप करो अगर हो सका तो। तो अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई जो है ना स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आता, या जो है ना आपको कोई इसमें वर्ड समझ नहीं आता, कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती, या किसी एक मोमेंट की समझ नहीं आती, मेनूवर्स की समझ नहीं आती, तो बराए मेहरबानी आप पूछ लें, ठीक है। आप मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। तो अगर इस तरह के आपका कोई जो है ना है मसला है, कोई जो है ना आपको समझ नहीं आती, तो बराए मेहरबानी प्लीज़ पूछ लिया करें, ताकि हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर करें, ताकि कल जो है ना आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में आपको कोई मसला नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।